हमारी आज की कहानी का नाम है जादुई पेंटबुश। पुराने जमाने की बात है, माँ लियांग नाम का एक जवान आदमी रहता था। वह गरीब और दयालु था और चित्रकारी को इतना पसंद करता था कि वह हर जगह चित्रों को बनाया करता था। एक रात उसने सपना देखा कि एक बूढ़े आदमी ने उसे एक जादू वाला ब्रश दिया और गरीब लोगों की मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा। सुबह जब वो उठा तो उसने टेबल पर जादू वाला ब्रश रखा हुआ पाया। उस दिन से जब भी गरीब लोगों को मदद की जरूरत होती, वह उसी जादुई ब्रश का इस्तेमाल किया करता। जब उसने देखा कि लोगों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा, तो उसने एक नदी की पोंटिंग बनाई और नदी जीवित हो उठी। अब लोग अपनी फसलों के लिए नदी से पानी लेकर अपने खेतों में आ सकते थे। जब उसने किसानों को अपने परिवार के भोजन यापन के लिए संघर्ष करते देखा, तो उसने अधिक भोजन की चित्रकारी की और उन्हें खाना बनाकर दिया। जल्द ही बहुत सारे लोग जादुई पेंट ब्रश के बारे में जानने लगे और वो लोग माँ लियांग के आभारी थे। लेकिन गांव में एक मतलबी अमीर आदमी भी रहता था, जिसने जवान आदमी से पेंट ब्रश चोरी करने का फैसला किया ताकि वह इसका प्रयोग कर और अधिक अमीर बन सके। उसने अपने नौकरों को जादुई पेंट ब्रश चोरी करने के लिए माँ लियांग के घर भेजा। जब वह जादुई पेंट ब्रश उसके पास आया तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उन्हें अपना नई उपलब्धि दिखा सके। उसने जादुई पेंट ब्रश से बहुत सारी चित्रकारी की, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं हुई। वह बहुत क्रोधित हो उठा कि जादुई पेंट ब्रश उसके लिए काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने माँ लियांग को बुलाने भेजा। उसने माँ लियांग से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ तस्वीरें बनाकर उन्हें जीवित कर देते हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। माँ लियांग इस तरह के बुरे आदमी की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक विचार आया। उसने बुरे आदमी से कहा, आप मुझसे क्या चित्रकारी कराना चाहते हैं? उस अमीर ने कहा, मुझे एक सुनहरा पहाड़ चाहिए, मैं सोना लेने के लिए वहाँ जाऊँगा। लेकिन जवान आदमी ने पहली बार समुद्र बना दिया। अमीर आदमी नाराज था, उसने कहा, तुमने समुद्र को क्यों आकर्षित किया? मुझे एक सुनहरा पहाड़ चाहिए, इसे जल्दी से बनाओ। तो उस युवक ने एक सुनहरा पहाड़ बनाया जो समुद्र से दूर था। अमीर आदमी ने कहा, जल्दी से एक बड़ा जहाज बनाओ, मैं सोना लेने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। युवा आदमी चुपचाप मुस्कुराया और एक बड़ा जहाज आकर्षित किया। अमीर आदमी जहाज में कूद गया और सोना खोजने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा तो माँ लियांग ने एक बड़ी लहर बना डाला जिसने जहाज को नष्ट कर दिया और अमीर आदमी फिर दोबारा गांव में कभी नहीं दिखा। उसके बाद जवान आदमी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा और वह गरीबों की मदद के लिए जादुई पेंट ब्रश का इस्तेमाल करता था, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जादुई पेंट ब्रश हर कोई जानता और पसंद करता था।